नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 जुलाई 2024, वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर हर एक प्लान्स के ऊपर 15-25% का प्राइस है यहाँ पर देखा गया है। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसके अंदर दो ऐसे प्लान्स है जिसके अंदर कोई भी प्राइस हाइक नहीं हुआ है। और अगर आप वोडाफोन आइडिया कंपनी के सिम कार्ड को एज ए सेकेंडरी सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो ये दो प्लान आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त प्लान होने वाला है, क्योंकि ये दो प्लान स्टैंड अलोन वैलिडिटी के साथ भी आते हैं। तो क्या है ये दो प्लान जिसके साथ कोई भी प्राइस हाइक यहाँ पर नहीं हुआ है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, और सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी के प्राइस हाइक की ज़रूरत थी वो था वोडाफोन आइडिया कंपनी का। और डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया कंपनी जियो एयरटेल को देखकर अपने प्लान्स का प्राइस हाइक किया है। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर जो दो प्लान है जिसके अंदर कोई भी प्राइस हाइक नहीं हुआ है, ये दो प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको स्टैंड अलोन वैलिडिटी तो प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स। हालांकि अनलिमिटेड बेनिफिट्स तो प्रोवाइड नहीं किया जाए, लेकिन जो बेनिफिट्स दिया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स है। और मेनली अगर आप एज ए सेकेंडरी सिम कार्ड वोडाफोन आइडिया को रखना चाहते हैं, स्टैंड अलोन वैलिडिटी चाहते हैं, तो ये दो प्लान आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है। दोस्तों, पहला जो प्लान है वो है 198 रुपये वाला प्लान। 198 रुपये वाला प्लान पहले भी दाम था 198, अभी के टाइम के अंदर भी दाम है 198। अभी इसके अंदर आपको पूरे 30 दिन का वैलिडिटी मिलते हैं, ना 28 दिन ना कम, आपको पूरे 30 दिन का वैलिडिटी मिलते हैं। साथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है 500 MB टोटल डेटा। जी हाँ दोस्तों, टोटल आपको 500 MB डेटा मिलते हैं, डेली 500 MB नहीं, टोटल 500 MB डेटा आपको दिया जाता है। साथ में आपको 198 रुपये का ही टॉक टाइम मिलते हैं, जहाँ पर जो कॉल रेट आपको मिलेंगे वो 2.5 पैसे पर सेकेंड यानी 1.5 रुपये पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा। हालांकि इस प्लान के साथ आपको कोई भी SMS बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। आपको ये सुनकर लगेंगे कि भाई क्या प्लान है, मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर 198 रुपये के अंदर कुछ इस तरीके का बेनिफिट दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, VI कंपनी के अंदर ऐसा ही बेनिफिट्स दिया जा रहा है, और ये प्लान को उसी लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, मेनली जो लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करते, ज़्यादा कॉलिंग यूज़ नहीं करते, कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा रिसीव करते हैं और थोड़े बहुत काम करने के लिए अपने सिम कार्ड को यूज़ करते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए 198 रुपये वाले प्लान को लॉन्च किया गया है 30 दिन के वैलिडिटी के साथ। सेकेंड प्लान की अगर मैं बात करता हूँ, इससे 6 रुपये ज़्यादा यानी 204 रुपये वाले प्लान। अभी बाकी जो बेनिफिट्स से एकदम सेम है, वहाँ पर भी आपको 500 MB का डेटा दिया जा रहा है, 204 रुपये का ही टॉक टाइम दिया जा रहा है, उसी के साथ आपको जो कॉल रेट पड़ेंगे वो 2.5 पैसे पर सेकेंड के हिसाब से यानी 1.5 रुपये पर मिनट के हिसाब से पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर जो वैलिडिटी आपको मिलते हैं वो पूरे 1 महीने का मिलते हैं, मतलब जो महीना 31 डेज का है 31 डेज का वैलिडिटी, जो महीना 30 दिन का है 30 दिन का वैलिडिटी। तो ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा रहा है 204 के अंदर। अभी देखिए ये दो प्लान क्या आपको लेना चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर ऑलरेडी 199 रुपये प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप वो सारे बेनिफिट्स के अंदर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने सिम कार्ड के अंदर जो वैलिडिटी है वो थोड़ा ज़्यादा रहे, उसी के साथ आप ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते अपने सिम कार्ड को, तो उस जगह के अंदर ये दो प्लान काफ़ी ज़बरदस्त होने वाले, अगर आप वैलिडिटी को कंसिडरेशन में लेते हैं। वरना अगर मैं बाकी ऑफर की बात करता हूँ तो उस जगह के अंदर ये पर्टिकुलर दो प्लान जो है वो काफ़ी पीछे पड़ रहते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, और एक चीज़ आपको समझना होगा, वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी भी अपने 5G सर्विसेज को भारत के अंदर लॉन्च नहीं किया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक नया वोडाफोन आइडिया कंपनी के सिम कार्ड को खरीदूं, तो मेक श्योर 5G अभी के टाइम के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। हो सकते हैं कि बाद में VI कंपनी अपने 5G को लॉन्च करे, अगर आप उससे मतलब सही है तो मेरे लिए आप वोडाफोन आइडिया कंपनी के सिम कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि अभी के डेट के अंदर VI कंपनी भी आपको काफ़ी अच्छे डेटा बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। और इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है जहाँ पर VI कंपनी आपको 130 GB डेटा एब्सोल्युटली फ्री यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है VI के नए एक ऑफर के साथ। तो ये सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आया था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उठ सुना तो कैसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।